भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच का तीसरा दिन अभी भी चल रहा है, शुरू तो हो चुका है और 576 रन लगभग इंग्लैंड की टीम बोर्ड पर लगा चुकी है और इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन 187वें ओवर में एक बार फिर ऋषभ पंत ने स्टंपिंग छोड़ी अश्विन की गेंद पर। जैक लीच जो कि सेट हो गए हैं, जो कि टेलेंडर हैं, उनको यहाँ पर स्टंप नहीं कर पाए ऋषभ पंत। बड़ी बात यह रही कि आसानी से स्टंप कर सकते थे अश्विन ने, मौका भी बनाया था, कैरम बॉल डाली थी, लेकिन 187वें ओवर में ऋषभ पंत यहां पर फिर से स्टंपिंग छोड़ बैठे, जिसके बाद अश्विन काफी गुस्सा हुए, विराट भी गुस्सा हुआ, इवन रोहित भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, जिसके बाद ये साफ तौर पर लगा कि भारतीय टीम कितनी मायूस नजर आई। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि 576 रन बोर्ड पर लग चुके हैं ऋषभ पंत को, ठीक है बैटिंग का थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन आपको इस तरीके की चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो फिर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी बात अगर देखी जाए तो अब इंग्लैंड की टीम कितना जल्दी ऑल आउट होती है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत ने अगर वो स्टंपिंग कर दी होती तो इंग्लैंड की टीम जल्दी सिमट जाती। लेकिन एक कहते हैं ना कि भारतीय गेंदबाजों को किसी भी टीम की टेल परेशान करती है, वो एक बार फिर परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। एएनपी न्यूज रूम से विजेंदर सिंह नेगी की रिपोर्ट।